सब्सक्राइब कीजिए इजी टू कुक चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन का बटन लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। व्रत स्पेशल बिना तेल के आलू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज उबले हुए आलू लिए हैं, जिसको हमने बहुत छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पर काट लिया है। अब हम इसमें एक हरी मिर्ची है और एक छोटा सा पीस अदरक का है, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून सेंधा नमक, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ये एक मीडियम साइज टमाटर है जिसको हमने पीस लिया है, ये भी डाल देंगे। लेकिन अगर आप फास्ट में टमाटर नहीं खाते हैं तो आप इसको बिना टमाटर के भी बना सकते हैं। ये है टमाटर, हम इसके अंदर डाल देंगे और 1/2 ग्लास पानी हम इसके अंदर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो चलिए अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कुकर रख लिया है और हमने ये जो आलू का मिक्सचर बनाया था ये कुकर के अंदर डाल। गैस की फ्लेम को हम फुल रखेंगे और फुल फ्लेम पर हम अपने इस कुकर में 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी आ चुकी है, गैस को हम बंद कर देंगे और कुकर का जब पूरा प्रेशर निकल जाएगा तब हम ढक्कन खोलकर देखेंगे। कुकर का प्रेशर पूरा निकल गया था, ढक्कन हमने खोलकर देख लिया है। गैस की फ्लेम को अब हम फुल रखेंगे और अपने इस सब्जी को बस हम केवल 2 से 3 मिनट पका लेंगे फुल फ्लेम पर। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो सब्जी का कलर आया है वो कितना अच्छा आया है और विदाउट ऑयल सब्जी भी कितनी अच्छी बन सकती है, आप इस रेसिपी में ये देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमने जो इसमें ग्रेवी रखी है, जो इसका जो रशा रखा है वो थोड़ा थिक ही रखा है, ज़्यादा पतली हमने इसको नहीं बनाया है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा पतला बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट हमने अपनी सब्जी को पका लिया है, तो चलिए जल्दी से अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, गरम गरम आलू की सब्जी बिना ऑयल के बनकर तैयार हो गई है। आई होप कि आपको ये सब्जी जरूर से पसंद आएगी और आप इसको जरूर से बनाएंगे भी। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और साथ ही इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।